फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लोगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पावलोव के द्वारा दिए गए लर्निंग के सिद्धांत के बारे में, जिसे हम कहते हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि साइकोलॉजी में हम लर्निंग यानी सीखने के चार तरह के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, जिसमें से हम पहले सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं, जो था थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत या थॉर्नडाइक का संबंधवाद का नियम भी उसको कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं पावलोव के द्वारा दिए गए अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत और पावलोव के द्वारा किए गए प्रयोग को। तो दोस्तों, पावलोव ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए एक प्रयोग किया था, ठीक है। वो प्रयोग किया था उन्होंने दोस्तों एक कुत्ते पर। तो क्या था उनका प्रयोग दोस्तों, आइए आप समझते हैं उस प्रयोग को। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक पावलोव ने इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले बनाया एक लकड़ी का उपकरण, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। इस उपकरण में उन्होंने एक स्थान पर एक घंटी लगा दी, जैसा कि आपको दिख रहा है घंटी लगी हुई। और पावलोव ने इस उपकरण में कुछ ऐसा प्रबंध भी करा था कि घंटी का बटन दबाने से घंटी बजने लगती थी और भोजन का बटन दबाने से कुत्ते के सामने भोजन की प्लेट आ जाती थी। यानी कि दो तरह के बटन इसमें फिट कर रखे थे उन्होंने, एक तो था घंटी का बटन, दूसरा था भोजन का बटन। अगर आप घंटी का बटन दबाते हैं तो घंटी बजने लगती थी, भोजन का बटन दबाएंगे तो कुत्ते के सामने भोजन की प्लेट आ जाती थी, ठीक है। अब इस उपकरण में क्या करा था, कुत्ते की लार एकत्र करनी थी, ठीक है। लार एकत्र करने के लिए उन्होंने क्या करा था, कुत्ते के मुंह से एक नली फिट कर रखी थी और उस नली को जोड़ दिया था एक बीकर से, ठीक है। तो जैसे ही कुत्ते भोजन को देखकर कुत्ते की लार आती थी तो वो नली से होते हुए कहाँ इकट्ठी हो जाती थी, एक बीकर में इकट्ठी हो जाती थी, ठीक है। अब सारा कुछ फिट करने के बाद उन्होंने एक भूखे कुत्ते को इस उपकरण के एक साइड में बांध दिया गया, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा हुआ चित्र में, ठीक है। तो सबसे पहले आप उन्होंने क्या करा, कुत्ते को बांध दिया, सारा उपकरण तैयार हो गया। तो सब कुछ सेट होने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो बटन दबाया वो दबाया भोजन का बटन, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने भोजन का बटन दबाया, जैसे ही उन्होंने भोजन का बटन दबाया तो कुत्ते के सामने जो भोजन की प्लेट थी वो आ गई। तो भोजन की प्लेट देखते ही कुत्ते के मुँह से लार का स्राव होने लगा, यानी कि लार बहने लगी, ठीक है। तो जैसे ही लार बहने लगी, वो लार नली से होते हुए कहाँ एक बीकर में जाके भरने लगी थी, ठीक हो गया। तो पहले दिन तो केवल उन्होंने इतना ही करा, खाली भोजन का बटन दबाया, भोजन आ गया, लार निकला कुत्ते के मुंह से और उस लार को इकट्ठा कर लिया गया। दूसरे दिन पावलोव ने क्या करा, दूसरे दिन उन्होंने दबाया सबसे पहले घंटी का बटन, ठीक है। तो जैसे ही दूसरे दिन घंटी का बटन दबाया सबसे पहले, तो घंटी बजने लगी और कुत्ते के केवल कान खड़े हुए, उस समय लार वार नहीं निकला, केवल कुत्ते ने अपने कान खड़े कर दिए बस, ठीक है, इतना सा हुआ। फिर तीसरे दिन क्या करा पावलोव ने, तीसरे दिन पावलोव ने क्या करा, सबसे पहले घंटी का बटन दबाया, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, घंटी का बटन दबाया, तो घंटी का बटन दबते ही कुत्ते के केवल कान खड़े हुए, ठीक है। तो घंटी का बटन जैसे ही दबाया उन्होंने, उसके दो सेकेंड बाद पावलोव ने दबा दिया भोजन का बटन, ठीक है। तो जैसे ही भोजन का बटन दबा, भोजन की प्लेट आ गई कुत्ते के सामने और कुत्ते के मुँह से लार फिर से टपकने लगी और वो लार नली से होते हुए कहाँ बीकर में इकट्ठा कर ली गई, ठीक है। अब ऐसे ही जो पावलोव थे, ऐसे ही उन्होंने कई बार तक कराया ये प्रयोग, ठीक है, बहुत दिनों तक करा, ठीक है। तो ये प्रयोग उन्होंने कई दिन तक दोहराया, दोहराते रहे। पहले उन्होंने घंटी का बटन दबाया, फिर दो सेकंड बाद भोजन का बटन दबाया, फिर ऐसे ही अगले दिन भी घंटी का बटन दबाया, फिर दो सेकंड बाद भोजन का बटन दबाया, फिर अगले दिन भी घंटी का बटन दबाया, फिर दो सेकंड बाद भोजन का बटन दबाया। तो ऐसा ऐसा करते करते कुछ दिन बाद ये देखा गया कि केवल घंटी की ध्वनि सुनते ही, यानी कि खाली घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी अब, ठीक है। अब उन्होंने भोजन का बटन नहीं दबाना पड़ा उनको, केवल घंटी का बटन दबाया उन्होंने और कुत्ते के मुंह से लार का स्राव शुरू होने लगा। यानी अब केवल घंटी के बटन दबाने से भी कुत्ते के मुँह से लार का स्राव शुरू होने लगा था, यानी कि लार बहने लगी थी और उस लार को फिर इकट्ठा किया गया, ठीक है। अब इस लार को इकट्ठा किया गया, अब देखा ये गया कि जो घंटी का बटन दबने से लार एकत्र हुआ था और जो पहले भोजन का बटन दबाने से लार एकत्र हुआ था, अब दोनों लारों की तुलना की गई, दोनों जो लार है उनको मापा गया कि कोई कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। तो ये देखा गया कि भोजन का बटन दबाने से भी उतना ही लार
पहले आता था, फिर उसके बाद जब कई बार प्रयोग किया तो घंटी के बटन दबाने से भी उतना ही लार कुत्ते ने स्राव करा जितना कि उसने भोजन के बटन दबाने पे किया हुआ था। ठीक है, तो इस प्रयोग से कुछ निष्कर्ष भी निकला। अब वो निष्कर्ष क्या निकला वो हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग से निष्कर्ष ये निकला कि अगर किसी भी अनुक्रिया को हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए उद्दीपक। ठीक है, यानी कि किसी भी अनुक्रिया को उद्दीपक के माध्यम से करते हैं, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप वो काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ क्या है दोस्तों, वो चीज़ उद्दीपक है। यानी कि आप तभी तो उसके लिए अनुक्रिया करेंगे, यानी कि कोई क्रिया करेंगे उसको पाने के लिए। तो वहाँ पे हमने देखा था प्रयोग में, तो वहाँ पे उद्दीपक क्या था, वहाँ पे उद्दीपक था दोस्तों भोजन, जिसके लिए कुत्ता अनुक्रिया कर रहा था। ठीक है, और ये कहा गया कि अगर उद्दीपक दो हों, एक मुख्य उद्दीपक और दूसरा कृत्रिम उद्दीपक, यानी कि उद्दीपक यहाँ पे क्या हैं, दो हैं, यानी कि एक तो है आपका मेन स्टिमुलस और दूसरा है कृत्रिम स्टिमुलस, यानी कि एक है मुख्य उद्दीपक, दूसरा है कृत्रिम उद्दीपक। कुछ समय बाद अगर मुख्य उद्दीपक हटा भी दिया जाए तो वह फिर भी कृत्रिम उद्दीपक के साथ वैसे ही अनुक्रिया करेगा जैसे वह मुख्य उद्दीपक के साथ करता था। यानी कि यहाँ पे जो मुख्य उद्दीपक था प्रयोग में वो क्या था, वो था भोजन, और जो कृत्रिम उद्दीपक था वो क्या था, वो था आपका घंटी। ठीक है, पहले तो क्या कर रहा था, घंटी का बदन दबाने से केवल कान खड़े हो रहे थे, ठीक है, वो तो कृत्रिम उद्दीपक था, लेकिन जो मेन उद्दीपक था वो था भोजन। ठीक है, लेकिन भोजन का बटन दबाने से उसके मुंह में लार आ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे प्रयोग को करते रहे तो पहले घंटी का बटन, फिर भोजन, फिर घंटी, फिर भोजन, फिर घंटी, फिर भोजन, ये करते 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 एक बार हुआ क्या, केवल घंटी का बटन दबाया, अब हमने केवल कृत्रिम उद्दीपक का प्रयोग किया, मेन उद्दीपक का प्रयोग नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, केवल कृत्रिम उद्दीपक का प्रयोग किया, तब भी कुत्ता क्या करने लगे, अनुक्रिया करने लगा, यानी कि तब भी उसके मुँह से लार का स्राव होने लगा था। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकला कि अगर मुख्य उद्दीपक को हटा भी दिया जाएगा तो तब भी क्या करेगा, वो कृत्रिम उद्दीपक के साथ अनुक्रिया करने लगेगा जैसे कि वो पहले करता था मुख्य उद्दीपक के साथ। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इससे संबंधित, जिससे कि आपको दोस्तों ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दैनिक जीवन का एक उदाहरण लेते हैं हम, तो आपके घर में रोज़ दूध तो आता ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो दूध वाला है वो आपके घर में रोज़ आता है दूध देने के लिए 9 बजे। ठीक है, रोज़ 9 बजे आपके घर में आता है दूध देने के लिए, और दूध देने से पहले वो आपकी जो घर की डोरबेल है यानी कि जो घंटी है उसको दबाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो उद्दीपकों की बात करें तो यहाँ पे मुख्य उद्दीपक कौन है, दूध वाला, यानी कि दूध मुख्य उद्दीपक है, और कृत्रिम उद्दीपक क्या है, यहाँ पे बैल कृत्रिम उद्दीपक है। ठीक हो गया। अब दोस्तों 9 बजे जैसे ही दूध वाला आता है वो आपकी डोरबेल बजाता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ 9 बजे हैं, तो दूध वाला आया होगा, तो आप दूध का बर्तन लेके सीधे दूध लेने चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों क्रिया चलती रही कई सालों तक, 2-3 साल हो गए, यही होता था, 9 बजे दूध वाला आता था, बैल दबाता था, आप दूध लेने चले जाते थे। तो एक दिन हुआ क्या, 9 बजे हुए थे, आपकी घर की डोरबेल बजती है, तो आप देखते हैं अरे 9 बज गए हैं, दूध वाला आया होगा, तो आप सीधे दूध का बर्तन लेते हैं और दूध लेने निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों उस दिन दूध वाला नहीं आया होता है, उस दिन कोई और व्यक्ति आपके दरवाजे पे खड़ा होता है। ठीक है, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, कृत्रिम उद्दीपक से ही अनुक्रिया करने लगते हैं, यानी कि आप जो डोरबेल है उसी से अनुक्रिया करते हैं। आपको ये पता है कि 9 बजे हाँ दूध वाला आता है, और दूध देने से पहले डोरबेल बजाता है, लेकिन उस दिन डोरबेल तो बजी 9 बजे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि हाँ 9 बजे दूध वाला आता है तो दूध वाला ही आया होगा, लेकिन वहाँ पे दूध वाला नहीं आया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी इसी क्रिया पर काम करता है कि अगर आप मुख्य उद्दीपक जो है वो हट भी जाएगा तो आप कृत्रिम उद्दीपक से भी अनुक्रिया करेंगे, और वैसे ही अनुक्रिया करेंगे जैसे कि आप मुख्य उद्दीपक के साथ करते थे। तो आपने भी वैसे अनुक्रिया करी। ठीक है, अनुक्रिया कैसे करी आपने, आप जैसे रोज दूध लेने जाते थे वैसे ही जा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं करा आपने। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, कृत्रिम उद्दीपक के साथ भी आपने अनुक्रिया करनी शुरू कर दी दोस्तों। तो ये दोस्तों दैनिक जीवन का एक उदाहरण, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो उसका ध्यान हटाने के लिए उसके हाथ में कोई खिलौना या कोई चीज़ दी जाती है जिससे कि उस चोट से उसका ध्यान हट जाए, तो वो सारी बातें भी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। तो अब इस सिद्धांत के कुछ गुण भी हैं, कुछ विशेषताएं हैं इस सिद्धांत की, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत की गुण या विशेषताएं हम कह लें तो क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो भी हम समझ लेते हैं।
तो दोस्तों, इस सिद्धांत की सबसे पहली विशेषता यह है, यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है, अतः यह बालकों को शिक्षा देने में सहायता करता है। तो इस सिद्धांत क्या है, एक सरल विधि बताता है किसी भी चीज़ को सीखने की, और यह बालकों को शिक्षा देने में सहायता करता है। तो बालकों को कैसे शिक्षा देने में सहायता करता है, उसको हम समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपका कोई बच्चा है और आप उसको ले जाते हैं कहीं घुमाने किसी पार्क में, ठीक है। तो पार्क में आप उसको दिखाते हैं, बेटा ये देखो, ये शेर है और ये हाथी है और ये चिड़िया है। और जब आप गाड़ी से जाते हैं तो आपको आप उसको ये भी बताते हैं कि ये गाड़ी है, ठीक है। वो बच्चा छोटा होता है अभी, ठीक है, तो वो चीज़ें देखता है पहले, तो वो उनके साथ अनुक्रिया करता है। फिर कुछ दिन बाद आप क्या करते हैं, उसको आर्टिफिशियल चीज़ देते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल खिलौना देते हैं। जैसे कि आपने उसको पार्क में शेर दिखाया, तो आप शेर का खिलौना उसको लाके देंगे, तो आप बताएंगे भी नहीं कि ये क्या है, तो वो बच्चा खुद ही कहेगा कि हाँ ये शेर है, क्योंकि उसने वो पहले देखा हुआ था। अब वो किसके साथ अनुक्रिया कर रहा है, कृत्रिम जो खिलौने हैं उनके साथ अनुक्रिया कर रहे हैं। वैसे अब आप गाड़ी का एक खिलौना लेके दे दें तो वो कह देगा कि हाँ ये गाड़ी है, क्योंकि पहले उसने जो मेन चीज़ थी उसको देखा था, यानी कि मेन उद्दीपक को उसने पहले देखा था। अब आप उसको कृत्रिम उद्दीपक दे रहे हैं तो उसके साथ भी वो अनुक्रिया करने लगता है। तो ऐसे इस तरह की शिक्षा देने में जो ये सिद्धांत है वो बालकों की सहायता करता है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि यह सिद्धांत बालकों की अनेक क्रियाओं और सामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत से बालक की जो क्रियाएं हैं वो और भी निखरती जाती हैं, ठीक है। ये क्रियाएं करने में उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो सामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है, यानी कि उसके उनके जो व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तीसरा इसकी जो विशेषता है वो ये है, यह नियम बच्चों के समाजीकरण और वातावरण से उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है। यानी कि ये नियम क्या करता है, बालकों को समाजीकरण यानी कि समाज में और वातावरण में दोनों में उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है, यानी कि दोनों से घुल मेल करने में सहायता प्रदान करता है। अगला जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इस नियम के प्रयोग से बच्चों के भी संबंधी रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो इस नियम से क्या कहते हैं, बच्चे के जो रोग हैं उसका भी उपचार किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर बच्चे को चोट लग जाती है, ठीक है, अगर आप उसको बच्चा कहता है कि मुझे दवाई चाहिए, तो आप दवाई के रूप में अगर कुछ और भी चीज़ दे दें, जैसे दवाई के रूप में जैसी दवाई दिखती है वैसी आप उसको चॉकलेट का एक बना के दे दें, तो आप कहेंगे कि बेटा लिए ये दवाई है, तो वो उसको खा ले, तो उसका जो दिमाग है रोग से, उस रोग से वो हट जाता है, उसका दिमाग कहीं और चले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी ये सहायता करता है बच्चों के रोग के उपचार में। अगला जो विशेषता है वो ये है कि समाज मनोविज्ञान के विद्वानों के अनुसार इस सिद्धांत का समूह निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो इस सिद्धांत है वो समूहों का निर्माण करता है, यानी कि एक दूसरे से सीखता है, दूसरे तीसरे से सीखता है, ऐसे ऐसे करके कई सारे व्यक्ति उस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यही है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पावलोव का जो सिद्धांत है और उसके द्वारा जो प्रयोग किया था उसके बारे में, उसकी विशेषताएं जो थी उसके बारे में। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। ये भी एक लर्निंग का सिद्धांत है। तो दो सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, थॉर्नडाइक का भी हमने देख लिया और पावलोव का भी हम आज पढ़ चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है वो क्या है, और उन्होंने जो प्रयोग करा था चूहे या कबूतरों पर वो किस तरह का प्रयोग किया था उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लॉग आउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।